हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि लूप की नेस्टिंग हम कैसे कर पाएंगे और ये प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड ब्लॉक फाइल पर जाकर के यहाँ से एम्प्टी फाइल चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल बनाता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके। फिर हैश इंक्लूड conio.h। इतनी हेडर फाइल बनाने के बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं अपना इंट मेन, ओके। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से मैं फॉर लूप ही डायरेक्टली लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा और आप जानते हैं कि लूप की बॉडी हमें कर्ली ब्रैकेट से बनानी होती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं पे वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ, डेटा टाइप भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो इंट टाइप का डेटा टाइप हमने लिया और इसकी वैल्यू को स्टार्ट किया है, यानी इंट टाइप का डेटा टाइप है और आई नाम का वेरिएबल, और इसकी वैल्यू को जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। और आई इज लेस देन, ठीक है, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा, सिर्फ लेस देन ले रहा हूं, थ्री करता हूं, ठीक है। टर्मिनेट किया, यानी कि इनिशियलाइजेशन के बाद हमने यहां कंडीशन भी दे दी और इसको टर्मिनेट कर दिया, और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा रहा, तो यहां पे इंक्रीमेंट करवा दिया हमने। इंक्रीमेंट का मतलब एक एक बढ़ते जाएगी आई की वैल्यू, तो ये हो गया। अब यहां लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना देता हूं और यहां पर एक और लूप लगाता हूं, यानी कि जो दूसरा वाला लूप है वो पहले वाले लूप के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अब यहां पर इंट लिया हमने दोबारा से, और यहां पर इंट एक वेरिएबल जे बना लिया और जीरो, ओके। जे इज इक्वल टू जीरो करने के बाद अब कंडीशन क्या देंगे, लेस देन और इक्वल टू क्या कहेंगे, इसको हम लेस देन और इक्वल टू ना करके सिर्फ लेस देन रखते हैं, और इसको कहां तक चला लेते हैं, फाइव तक चला लेते हैं, ठीक है। फाइव तक चलाया हमने, तो आप देख पाएंगे कि क्या होगा, और यहां पे जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा दिया हमने, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप जानते हैं कि लूप की बॉडी हम कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं, तो यहां पर भी हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे और यहां पर दे देंगे प्रिंट एफ, ठीक है। इसे प्रिंट भी तो करवाना है, तो प्रिंट एफ लिखा हमने और लिखा हमने परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी लिखा, फिर कॉमा दिया, फिर लिखेंगे परसेंट डी, ओके, और बैकस्लैश एन लगाया ताकि लाइन चेंज होती रहे, और इसके बाद यहां पर आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, तो आई कॉमा जे, ओके। और यहां से टर्मिनेट करेंगे, और टर्मिनेट करने के बाद यहां पे करेंगे इसको क्लोज कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। क्लोज करने के बाद एक और जो कर्ली ब्रैकेट हमने लिया था उसको भी क्लोज कर देते हैं, और यहां पे करते हैं रिटर्न जीरो, ओके, और लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट भी कर देंगे क्लोज। आइए देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है, इसको सेव करते हैं, तो nesting.c के नाम से इसे मैं सेव कर रहा हूं, ओके। अब यहां से इसको कंपाइल करवाते हैं, तो नो सिंटेक्स एरर, ठीक है। अब यहां से इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉमा के साथ प्रिंट होकर इस तरीके से आ रहा है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर हमारा प्रोग्राम है, और यहां पर हमने आई की वैल्यू को स्टार्ट किया है जीरो से, और कहां तक चलाया है, लेस देन थ्री तक, यानी आई की वैल्यू टू तक चली है, तो यहां टू तक प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर इसी पर डिपेंडेंट इसी के अंदर चलने वाला एक लूप लगाया जिसमें एक और वेरिएबल जे, तो लेस देन यानी फाइव तक नहीं चलेगा, चलेगा लूप फाइव तक, ठीक है, यानी लूप जो चलेगा वो फाइव को भी एक बार चला करके देखा जाएगा, और जैसे ही फाइव उसे दिखेगा तो वो लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। जब लूप एंड हो जाएगा तो फोर तक हमें वैल्यूज प्रिंट होकर मिलेंगी, तो यही कारण है कि यहां पर इस तरीके से वैल्यूज प्रिंट हुई है। अगर ये कॉमा आप हटाना है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये लूप कैसे काम कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।